अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने लाडले मशाई रहमतुल्ला अली की बारगाह का वीडियो देखा होगा, तो उसी के सामने एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है जिसे काली मस्जिद कहा जाता है, तो मैं उधरी पर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ की जो पुरानी कारीगरी है जो किया गया था वो आपको दिखाता हूँ। लाडले मशाई रहमतुल्ला अली की बारगाह के पीछे ही, मतलब सामने साइड ही, एक बहुत ही कदीमी मस्जिद है जिसे काली मस्जिद कहा जाता है। ये आप सामने देख सकते हो, ये काली मस्जिद है। वीडियो में मैं आपको काली मस्जिद की ज़ियारत और यहाँ क्या क्या मौजूद है आपको दिखाऊंगा। तो नाजरीन, आप देख सकते हो सामने ये वजू खाना है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ वजू किया जाता है। और ये काली मस्जिद, ये देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काली मस्जिद क्यों कहा जाता है। कि पूरा काली काली, मतलब ये पत्थर एकदम पुराने हैं। ये देखिए, ये सामने पूरा इधर दिख रहा है आपको, ये दो कबरें मौजूद हैं और नीचे तालाब है। तो पूरा मैं आपको यहाँ का एतराफ़ का मंजर दिखाऊंगा। तो अगर आप लाडले मशाइख रहमतुल्ला अलैह की बारगाह में आते हैं तो ये मस्जिद पर भी आइए, यहाँ नमाज़ भी होती है। हम अंदर गए थे और अभी हम आपको दिखाऊंगा भी मैं, मतलब यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और नमाज भी होती है यहाँ पर, माशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको मैं एतराफ़ के मस्जिद का जो हिस्सा है वो आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ। जो हमारे साथ लाडले मशाइख रहमतुल्ला अलैह के वीडियो शूट के लिए हमारे साथ आए थे, वो हमारे गुफरान रज़ा कादरी आए थे। उनका भी यूट्यूब पर चैनल है फैज़ान औलिया, अल्लाह उनको भी सपोर्ट करें। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर भी मौजूद है। ये देखिए, मस्जिद के चारों तरफ का आप हिस्सा देख सकते हो, किस तरह आप देखो किस्सा बना हुआ है पूरा एकदम, कितने पत्थर लगे हुए आप देख ही सकते हो। ये देखिए सामने, अभी चारों तरफ से मैं आपको घूम के दिखा रहा हूँ मस्जिद किस तरह बनाई गई है। बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत कदीमी मस्जिद है। लाडले मशाइख रहमतुल्ला अलैह की बारगाह में मस्जिद मौजूद है, तो आप जब भी आते हैं यहाँ पर तो यहाँ भी आइए और ये मस्जिद देखिए। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ किस तरह है मस्जिद। ये आपको दरवाजे देख सकते हो, तीन दरवाजे हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी खोलते हैं, आपको ज़ियारत कराता हूँ मस्जिद के अंदर के हिस्से की। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक, माशाल्लाह। ये देख सकते हो नाजरीन, ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। ये देखिए माशाल्लाह, तो देख सकते हो सामने घड़ी भी चल रही थी, तो हम लोग समझ गए मतलब मस्जिद में नमाज पाँचों टाइम की होती है। तो आप जब भी जाते हैं, नमाज का वक्त होता है तो नमाज़ पढ़िए माशाल्लाह, और हमारे लिए दुआ करिए और हमारे चैनल के लिए दुआ करिए। ये देखिए माशाल्लाह। और अगर आप इसी तरह मतलब ज़ियारत करना चाहते हैं मस्जिदों की, कदीमी मस्जिद और बारगाहों की और दरगाहों की, तो आप हमें थैंक्स बटन से सपोर्ट कर सकते हैं या आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए सामने आपको मीनार दिख रही है, यही है हजरत शेख लाडले मशाइख रहमतुल्ला अलैह की मीनार जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी गुलबर्गा शरीफ की बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है। ये तो मैं एक छोटा सा वीडियो, मतलब मैं बता रहा था यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने एक कमेटी में पोस्ट भी किया था मैं आया हूँ। ये पहले वीडियो आएगा जो आप देख रहे हो, ये आलम शरीफ की जो तारीखी मस्जिद है काली मस्जिद, ये पहले वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें, और हमारे गुफरान रज़ा कादरी हैं जो उनका भी चैनल है फैज़ान औलिया अल्लाह, उनको भी सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।